जो डिसलोकेशन होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। एक एक्वायर्ड हिप डिसलोकेशन होती है जिसके अंदर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट के दौरान ये हो रही होती है, और उस वक्त हिप जो होता है वो एडक्टेड फ्लेक्स्ड और मीडली रोटेटेड होता है जो कि नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन होती है। पोस्टीरियर जो डिसलोकेशन होती है उसके केस में स्पेसिफिकली डैशबोर्ड के साथ जाकर स्ट्राइक कर रहा होता है, स्नैरियो के अंदर ये बात मैंशन होती है, और उसमें हेड जो होता है वो सेरेब्रम से बाहर आ जाता है, कैप्सूल भी जो है वो इंफीरियर और पोस्टीरियर साइड से रप्चर हो जाता है, और शैटिक नर्व भी पोस्टीरियर डिसलोकेशन में डैमेज होती है। और एंटीरियर डिसलोकेशन में बहुत ज़्यादा कोई वायलेंट इंजरी होती है या वायलेंट बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट है कोई, उसके केस में होता है इसमें एक्सटेंशन, एबडक्शन, लेटरल रोटेशन इसका सिग्नेचर साइन, और स्कीइंग के दौरान होता है, और हेड जो होता है वो इंफीरियर आ जाता है टू द एसेटैबुलम, और इसके अलावा जो एसेटैबुलर मार्जिन होते हैं वो भी फ्रैक्चर हो चुके होते हैं।